Hello guys, this is Sonu Singh and welcome back to my channel. Today our topic is a negative sentence and interrogative sentence of future continuous tense. मैंने last video में आप लोगों को future continuous tense के affirmative sentence के structure के बारे में और उससे संबंधित बनने वाले sentence के बारे में आप लोगों को भली बात समझाया था। जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज सबसे पहले आप उस लास्ट वीडियो को देख लीजिए, जिससे आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। लास्ट वीडियो की लिंक भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का यूज करते हैं, उसके बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद बी का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेट्स मी रिपीट अगेन। सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, शैल और विल के तुरंत बाद वो बी का यूज करते हैं, बी के तुरंत बाद वो नॉट का यूज करते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। जब एक या एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के साथ हम नॉट का यूज करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सेंटेंस की। सबसे पहला सेंटेंस है, वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल में से किसी एक का चूज करना है, तो दे के साथ विल का यूज होता है, दे विल। विल के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इन द ट्यूरी से आपका सेंटेंस बनता है, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कल हम ऑफिस नहीं जा रहे होंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट है वी। वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। वी शैल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, कल हम ऑफिस नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, राम कल इस समय नहीं खेल रहा होगा। फिर इसी प्रकार से हम बनाएंगे, राम हमारा सब्जेक्ट है, राम विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, राम कल इस समय नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कल मुंबई से नहीं आ रहा होगा। वह कल मुंबई से नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम मुंबई टुमारो। वह कल मुंबई से नहीं आ रहा होगा, he will not be coming from मुंबई tomorrow। Next sentence है, तुम कल रात मेरे घर खाना नहीं खा रहे होगे। इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा यू, यू विल नॉट be eating at my home at night tomorrow। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, तुम कल रात मेरे घर खाना नहीं खा रहे होगे, you will not be eating at my home at night tomorrow।
इस प्रकार से आपका ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले हम विल शैल का यूज करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके तुरंत बाद हम बी का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। लेट मी रिपीट अगेन, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिर्फ उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं और सारे के सारे स्ट्रक्चर वैसे ही रहते हैं। सो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। लेट मी रिपीट अगेन, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। पहला सेंटेंस है, क्या वह कल रात को सो रहा होगा। इसमें विल शैल का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम विल का यूज करेंगे। विल ही बी स्लीपिंग एट नाइट टुमारो। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनता है, क्या वह कल रात को सो रहा होगा। विल ही बी स्लीपिंग एट नाइट टुमारो। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अध्यापक कल तुम्हें इस समय पढ़ा रहे होंगे। यहां पर हमारा सब्जेक्ट है अध्यापक, अध्यापक के लिए हम विल का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे। विल द टीचर बी teaching you at this time tomorrow। इस प्रकार से आपका यह सेंटेंस बनता है, क्या अध्यापक कल तुम्हें इस समय पढ़ा रहे होंगे। Will the teacher be teaching you at this time tomorrow। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, क्या शाम को तुम्हारी मां खाना बना रही होगी। यहां पर हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारी मां, तुम्हारी मां के लिए हम विल का यूज करेंगे। विल योर मदर बी कुकिंग इन द इवनिंग। यहां पर मैंने कुकिंग के साथ फूड का इस्तेमाल नहीं किया है, कुकिंग का मतलब ही खाना बनाना होता है। आप चाहें तो कुकिंग के बाद फूड का यूज करें या ना करें, दोनों सही है। अब बात करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं और सभी स्ट्रक्चर वैसे ही होते हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या वह कल रात को नहीं सो रहा होगा। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के लिए हम विल का यूज करते हैं। विल ही के तुरंत बाद, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट का यूज करना है। विल ही नॉट बी स्लीपिंग एट नाइट टुमारो। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, क्या वह कल रात को नहीं सो रहा होगा। विल ही नॉट बी स्लीपिंग एट नाइट टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अध्यापक कल तुम्हें इस समय नहीं पढ़ा रहे होंगे। विल द टीचर नॉट बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो। इस प्रकार से आपका यह भी सेंटेंस बन गया, क्या अध्यापक कल तुम्हें इस समय नहीं पढ़ा रहे होंगे। विल द टीचर नॉट बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या शाम को तुम्हारी मां खाना नहीं बना रही होगी। विल योर मदर
not be cooking in the evening. इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनता है, क्या शाम को तुम्हारी मां खाना नहीं बना रही होगी? Will your mother not be cooking in the evening? इस प्रकार से आपका ये negative और interrogative सेंटेंस हो गया। I hope कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से negative सेंटेंस और interrogative सेंटेंस के बारे में समझाया है और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और इसे लाइक करिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हों तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।